Yeah, I self Mumshad Alam, and welcome to my YouTube channel. I am a director of Career Maker Institute in Motihari. Last 2 and 3 days ago, we have to complete already 7.1 and 7.2 form coordinate geometry chapter. और आपसे मैं बात कर चुका था कि 7.1 में क्या पढ़ना था, 7.2 में क्या पढ़ना था और 7.3 में क्या पढ़ना था. इन सारी चीज़ों पे मैं बात कर चुका था आपसे. बट टुडे आई विल टॉक टू यू फॉर्म 7.3 और इसको कैसे हम वो निकालेंगे, 7.3 को कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या पढ़ना था, इस सब सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे. फ्रेंड, 7.3 के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक चैप्टर है 7.3, और इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था. तो पहले जो हम लोग निकालते थे, यस, नाइन्थ में, एट में, सेवन में हम लोग सीख कर करके आए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना होता तो उसका हाइट, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया होता और उस बेस पे हम लोग फार्मूला इम्प्लीमेंट कर करके उसका एरिया निकालते. बट टुडे आई विल टॉक टू यू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट वैल्यू. सो आज हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू दिया हुआ होगा उस साइड का और उसका एरिया निकालेंगे. तो इस पे एक फार्मूला होगा और इस फार्मूले का यूज कर करके हम लोग निकालते हैं. तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका कि निकालना क्या है, उस पे बात करते हैं इसका फार्मूला क्या कहता है. तो इसका फार्मूला एक बार हम लोग देखते चले यहाँ से. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ये एक फार्मूला है और इसी फार्मूला का यूज कर करके हम 7.3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यहाँ से. ओके, तो देखते हैं. बड़ी आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना. अगर यह फार्मूला याद रहेगा तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से इस फार्मूला को यूज कर करके किसका निकाल लेंगे. फ्रेंड, एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि देखने में यह फार्मूला आपको लेंदी जा रहा है लेकिन लेंदी है नहीं. अगर आपके पास एक ट्रिक होगा याद करने का तो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर लेंगे. 1/2 तो आपको लगेगा. शुरू में करना क्या है कि x1 x2 और x3, ये चीज़ आप यहाँ पर x1 x2 x3, ये बाहर होगा, ब्रैकेट के अंदर में वाई वाला फॉर्म होगा. अब करना क्या है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा रहेगा, 1, 2 और 3. ओके, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये 1 है 2 है 3 है. ओके, 1 को अगर आप छोड़ रहे हो तो 2 से आप 3 पे जा रहे हो, तो 2 से आप 3 पे आप यहाँ पे गए. ओके, अब फिर आपको क्या करना है कि 3 से 1 पे जाना है, तो 3 माइनस 1, यहाँ पर 3 माइनस 1. ओके, ये भी आपको निकल जाएगा y3 माइनस y1. अब फिर आपको 1 से 2 पे जाना है, तो y1 माइनस y2. y का जो भी फॉर्म होगा वो अंदर में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर में रहेगा. x1 x2 और x3 जो भी होगा वो ब्रैकेट से आपको बाहर में रहेगा. ओके, तो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर लोगे. एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि x1, मैंने बोला था कि y का फॉर्म यहाँ पे अंदर में रहेगा, तो ये 1 हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि 2 होगा, तो y2 माइनस y3. ओके, 1, 2, 3 मिला आपको, ठीक. 1, 2, 3 मिला. y ये चीज़ आपका 1 वाला हो गया आपका x का, तो y2 माइनस y3. अगर यहाँ पे x2 लिखेंगे प्लस x2, तो आप करोगे क्या कि 3 माइनस 1, तो y3 माइनस y1. उसके बाद अब आप ये x3 लिखोगे तो प्लस x3. अब ये प्लस x3 लिख रहे हो तो 1 से 2 पे जा रहे हो, तो यहाँ से y1 माइनस y2. और इसी तरह से ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, है ना. तो फॉर्मूला याद करना कोई बड़ा टफ नहीं है, बड़ा इशू नहीं है. आप बड़ी आसानी से अगर ट्रिक्स याद रहेंगे आपको तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लोगे. ओके, अब देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ में कि इसका क्वेश्चन है तो वो कैसे बनाएंगे, उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे. ओके,
ओके सो मेरे पास अभी एनसीईआरटी का एक बुक है और उसमें हम लोग अभी देखेंगे 7.3। ओके तो 7.3 के अंदर में क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिक्स आर। ओके इसका वर्टिक्स दिया हुआ है तो आपको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ओके मैं देख लेता हूँ इसको कैसे इसको निकालेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके वर्टिक्स दिया हुआ 2, 3, 2, 3 और -1, 0, -1 और 0 और 2, -4, 2, -4 ये वर्टिक्स आपको दिया हुआ है। इस वर्टिक्स का यूज कर करके आपको इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। फ्रेंड करेंगे क्या कि आप सिंपल वे में यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी कर लो और 2 और 3, -1 और 0 और 2 और -4 ये होगा। अब करना इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसका फार्मूला आप ड्राइव यहाँ पे लिख देना, 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 ये चीज़ हो गया। ओके अब यहाँ पे आप ये देखो, अगर ये x1 है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 2 तो 0 - -4 ये चीज़ यहाँ से मिलेगा। ओके प्लस x2 अगर यहाँ पे -1 है -1 तो -4 और -3 -3। ओके उसके बाद प्लस x3 अगर ये चीज़ है तो y1 - y2 y1 3 और y1 - y2 ये 0। तो ये इस तरह से अब बस इसको सोल्व कर लेना है, 2 - - प्लस ओके और -1 ये -1 आपका 7 - 7 हो जाएगा ये प्लस 2 और ये 3। ओके उसके बाद 1/2 2 * 8 और प्लस -1 - प्लस ये 7 + 2 = 6 ये चीज़। उसके बाद 1/2 8 + 7 = 15 15 + 20 = 21/2 तो ये आंसर हो जाएगा आपका 20/2 square। यही चीज़ इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा इसी तरह से। फ्रेंड इसमें करना क्या था आपको कि बड़ी सावधानी से ये जो प्लस और माइनस दिया हुआ है ना, इसको बड़ी आसानी से आप सॉल्व करना, बड़ी आसानी से इसको राइट करना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को अपन लिख दे या फॉर्मूला वाले को अपन नहीं लिखे, या फॉर्मूला वाले जो माइनस दिया हुआ है उसको अपन लिखे और क्वेश्चन वाले को अपन नहीं लिखे, ऐसा नहीं। अगर आपको जहाँ पर भी डाउट लगे ना वहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ करना और बड़ी आसानी से आप उस क्वेश्चन के तरफ में चले जाएंगे, उस आंसर के पास चले जाएंगे। लेकिन ब्रैकेट का यूज़ नहीं करोगे, कन्फ्यूज़न आपके पास में रहेगा तो आप आंसर को नहीं लेकर के आ पाओगे। तो यहाँ से बड़ी सावधानी के साथ में आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगेन नाउ वील सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इसमें मैं देख रहा हूँ एक इसका वन का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1 बनाया और उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ, इसको आप कर लीजिएगा। मैं देखता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर टू उसमें दिया हुआ है 7 - 2। इसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। ओके इसमें आपको के का वैल्यू निकालना है और वो पॉइंट्स जो दिया हुआ है ना वो कोलिनियर है। ओके तो इसमें मैं बात करूंगा आपसे डायरेक्टली वे में, मैं देखता हूं क्वेश्चन के क्वेश्चन में क्या करना है। फाइनली बस ये समझे कि आप वो फार्मूला का यूज करेंगे और वो उस फार्मूला का यूज करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद इसमें बोल रहा है कि अगर ये कोलिनियर है तो एरिया जो भी होगा वो इक्वल टू 0 कर दोगे और इसका बैलेंस करने के बाद आप के का वैल्यू निकाल लोगे। बस यही इसमें ट्रिक्स है और इसी तरह से इसका आंसर हम लोग लेकर के आ जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन इसका 7 - 2 7 - 2 5 - 1 और उसके बाद 3 के
थ्री के, यहीं से इसी के का वैल्यू आपको निकालना है। तो बस सिंपल इसी तरह से आप एक ट्रायंगल बना लोगे ए बी और सी, 7-2, बी का 5 और 1, और यहाँ से 3 और k। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। बस यह फॉर्मूला आपने लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसका एरिया निकाल लोगे, 1/2 एक्स कितना है इसका 7, वाई टू और माइनस वाई थ्री 1 - k प्लस x2 5। ओके, तो y3 - y1 k - -2। ओके, और उसके बाद x3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, y1 - y2 - 2 - 1। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 1/2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ पे, 7 - 7k प्लस 5 और k माइनस माइनस ये प्लस 2। ओके, और प्लस 3 - 3, बस ये चीज़ रहा। उसके बाद 1/2 7 - 7k प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो यहाँ से, तो 5k प्लस 10 और माइनस 9। ओके, अब आप देखो कि इसमें करना क्या है, कि ये 7 ये 10, आप इसको ऐड करो, 1/2 10 17 माइनस 9 माइनस 7k से 5k को माइनस करोगे तो माइनस 2k ये मिलेगा। ओके, उसके बाद 1/2 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17 9 7 9 8 17 8 माइनस 2k। ओके, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से कि अगर ये वर्टिक्स आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है तो आप करोगे क्या, कि 1/2 8 - 2k इक्वल टू 0। अगर ये कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 कर दोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर में 0 कर देना, बचेगा क्या यहाँ से 8 - 2k इक्वल टू 0, 8 = 2k, तो यहाँ से k इक्वल टू 2 * 8 4 = k, यही आपका k का वैल्यू यहाँ से 4 निकल रहा था। ओके, तो इस तरह से इसका वैल्यू आप k निकाल लोगे। ओके, इसमें शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा था कि कोई चीज़ है, यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर यह कोलिनियर है तो इक्वल टू 0 आप कर लेना, और इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। अब सपोज एक अब क्वेश्चन आप ट्राई करना कि -1 3 2 और -5 k - 6, अगर ये दिया हुआ है k और -6 दिया हुआ है तो आपको यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, वो कैसे निकलेगा, आप इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चन निकल जाएगा। इसी तरह से आप इसको रखना और वो k का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल दोगे, कोलिनियर है इक्वल टू 0 करना, आप इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, नाउ आई थिंक यू आर गेटिंग दिस व्हाट आई मीन। ओके, सो क्वेश्चन आसान है अगर प्रोसेस सही है तो, अगर प्रोसेस नहीं समझ में आया, स्टेप नहीं समझ में आया, कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और ज़रूरत है आपको इसके कंसेप्ट को समझने की, ये कहता क्या है। ओके, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिक्स आर 0 - 1 2 1 एंड 0 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ओके, आपको इसमें निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें।
माना कि एक ट्रायंगल आपका ये इस तरह से दिया हुआ है, ए बी और सी, इसका जो साइड है ना, इस साइड पे एक इसका वर्टिक्स को अगर अपन मिलाते हैं, इसके साइड को अपन मिलाते हैं, तो यहाँ से पी क्यू आर तो मिला होगा, तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल इसमें बन जाएगा। ओके, तो आपको ये निकालना है यहाँ से, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही चीज़ आपको यहाँ से निकालना है कि इसका जो भी ट्रायंगल आपने फॉर्म किया वो ट्रायंगल और गिवन जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसका रेशियो क्या होगा। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से जो वर्टिक्स दिया हुआ है, वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 0-1 क्वेश्चन नंबर 3 और 2-1 0 और 3। ये आपका जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का दिया हुआ है ए बी सी। ओके, और इस तरह से हम लोग यस फ्रेंड, सो नाउ आई विल कंटिन्यू हेयर। ये ए बी सी, ओके, तो 0-1 2-1 0 3 ये दिया हुआ इसका साइड का वर्टिक्स। ओके, अब आपको करना क्या है कि यहाँ से मिला कर करके एक ट्रायंगल आप बनाओगे और ये ट्रायंगल आपका पी क्यू आर होगा। ओके, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो और निकालने के बाद आप वो वाला फॉर्मूला जो था, ये ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पे निकालोगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर पे निकालोगे और उसका रेशियो आप इस फॉर्म में ला कर करके यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये निकालना, ये क्या होगा, बस इसी चीज़ को यहाँ पे करना था। ओके, सो मैं यहाँ पे देखता हूँ पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो आप निकालोगे यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू इसका एक्स आपस में जोड़ो 1 0 प्लस 2 बाई 2, ये कितना होगा 2 बाई 2, ये हो गया 1। और उसके बाद में पी वाई तो -1 और 1 -1 प्लस 1 बाई 2, तो ये 0 बाई 2, मतलब ये 0। इसका जो कोऑर्डिनेट निकला ना 1 और 0। ओके, सेम इसी तरह से आप क्यू का निकालोगे, क्यू एक्स इक्वल टू 2 0 2 प्लस 0 बाई 2, तो यहाँ से 2 बाई 2, ये 1 और ये 1 और 3, पी वाई 1 प्लस 3 बाई 2, ये 4 बाई 2, ये कटेगा आपका 2, मतलब 1 और 2, इसका निकला 1 और 2। उसके बाद आर के लिए आर एक्स निकालोगे तो 0 और 0 0 0 बाई 2, तो 0 बाई 2, तो ये चीज़ 0 और 3 और 1, आर वाई 3 प्लस -1 बाई 2, तो 3 -1 बाई 2, तो ये 2 बाई 2, ये कटेगा यहाँ से 1, मतलब 0 और 1, ये चीज़ मिला आपका 0 और 1। ओके, तो आपको ये कोऑर्डिनेट निकल गया इसका पी का क्यू का आर का। अब आप यहाँ से करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1 बाई 2 x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, ये चीज़। जब ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का आप इस पर निकाल लेना, उसके बाद नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1 बाई 2 x1 y2 y3 प्लस
एक्स टू वाई थ्री वाई वन और एक्स थ्री वाई वन वाई टू, ये इस तरह से ये कुछ वैल्यू देगा और ये कुछ वैल्यू देगा। नाउ अगेन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये कुछ ऐसे का करके आएगा, वन इज टू फोर के फॉर्म में आएगा। अगर ये आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर ये ऐसे नहीं आता है तो आंसर आपका ये गलत हो सकता है, और इस तरह से आप इसको निकाल लेना। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर चार की, कि क्वेश्चन नंबर चार भी वो कैसे फॉर्म करेंगे, इसका आंसर कैसे लेकर के आएंगे, हम लोग क्वेश्चन कैसे समझेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर चार, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर आर माइनस फोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस टू एंड टू और थ्री, ये दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटल का वर्टेक्स और आपको इसका क्वाड्रेटल का एरिया निकालना है। तो देख लो क्वेश्चन नंबर चार, माइनस फोर माइनस टू माइनस फोर माइनस टू, उसके बाद माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव, उसके बाद थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू, उसके बाद टू और थ्री टू और थ्री। ओके, फिर हमें एक क्वाड्रेटल है, क्वाड्रेटल का एरिया निकालेंगे। तो करते क्या है कि क्वाड्रेटल आप पहले बना लो, ये ए बी सी और डी, ए का कोऑर्डिनेट माइनस फोर और माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस टू टू और थ्री। आप करना क्या कि इसका एक डायगोनल ऐसे निकाल लेना। ओके, आप इसको इससे मिला देना, ठीक ना। मिलाने के बाद में आपको ये समझ में आया कि नाउ हेयर वी गेट टू ट्रायंगल, कौन कौन सा, ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इक्वल टू, आप इसका निकाल लेना। और नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी ये निकाल लेना। और उसके बाद सो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। ओके, जितना एरिया इसका आया होगा और इसका आया होगा, दोनों के एरिया को अगर अपन जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटल निकल जाएगा। और एरिया ऑफ इस, ये निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे जो अभी आप निकालते आ रहे हो, कौन सा, वन बाई टू एक्स वन वाई टू वाई थ्री एक्स टू वाई थ्री वाई वन एक्स थ्री वाई वन वाई टू, इसका यूज करना है, यही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज करना है। और एरिया निकाल लेना है ट्रायंगल का, इसका ट्रायंगल का और इसका ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल के एरिया को अपन जोड़ देते हैं तो वो आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेटल निकल जाएगा। ओके, और इस तरह से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर जाओगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट्स ऑन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी बाय द हेल्प ऑफ कमेंट, एंड आई will wait you for your comment and your opinion, your suggestion. If you will give me, then I will change in myself and I will try for giving you my best performance. Okay, so thank you, and in the last I would like to say don't forget to subscribe and like to my video. Okay, thank you so much.